गाइज पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है यार, होती है ना? नहीं होती, नहीं होती। पक्का? आर वी रेडी फॉर दिस? लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। फोर्थ एपिसोड ऑफ फ्यूचर यू, जहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हारे पास जिंदगी में और क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कि तुम अपने करियर में बहुत ऊपर जा सकते हो अपार्ट फ्रॉम द IITs एंड NITs, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इन कॉलेजेस में सीट्स बहुत ज़्यादा कम, लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पास करके निकलते हैं और एम्प्लॉयबल ही नहीं होते, उनके पास वो इनफ स्किल्स नहीं होते कि कंपनीज उनको हायर करें। मार्केट में इतने सारे कॉलेजेस खुल गए हैं कि सोचना मुश्किल है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसमें जाएं किसमें नहीं जाएं। और आज मैं एक ऐसे कॉलेज में हूँ, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका नाम तुमने अभी बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बट क्या ये कॉलेज एक्चुअली में इतना अच्छा है जितना ये दावा करता है? आज हम सबका पर्दा फास्ट करने वाले हैं, अच्छे से जानने वाले हैं कि यहाँ पे क्या होता है। स्टूडेंट से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। यो, वी हैव मनमीत ओवर हियर। यार, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। आज मैं आपके सारे राज खोल देने वाला हूँ। बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट SST। माय फर्स्ट डाउट इज कि बैंगलोर क्यों? मुंबई इतना सेक्सी शहर है, तो बैंगलोर क्यों? देखिए, मुंबई आप सिंगर बनना चाहते हो तो आपको मुंबई में रहना चाहिए, बट आपको ये कोई भी बताएगा कि अगर आप टेक में जाना चाहो तो आपको बैंगलोर में रहना चाहिए। यहाँ पे मतलब लिटरली 2 किलोमीटर्स के रेडियस में देयर इज मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज हियर। नाउ दैट हेल्प्स इन मल्टीपल वेज, ऑफ कोर्स प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा, हमारी कोर फिलॉसफी में भी हेल्प करता है। तो फॉर एग्जांपल, वी स्ट्रांगली बिलीव इन हाउ डॉक्टर्स लर्न। डॉक्टर्स कैसे सीखते हैं? वो सीनियर डॉक्टर से सीखते हैं, वो हॉस्पिटल में सीखते हैं, सालों साल ऑपरेशंस करते हैं। सो इंजीनियरिंग में क्यों नहीं होता? सो वी आर इंडियाज फर्स्ट कॉलेज जिसमें 100% ऑफ द टीचर्स आर इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स। कोई अमेजोन में काम करके आए, कोई गूगल में काम करके आए। नाउ दीज आर द टीचर्स हु कम इन एंड टीच, देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी इन बैंगलोर। सो आई डोंट नो इफ यू कैन जूम इन, देयर आर टीचर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास। एंड व्हाट आर दे प्रिपेयरिंग फॉर? हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? प्रज्ञा। Okay. And tell us about yourself. Yeah, so I mean, I started programming way back in class 5th. Class 5th? Yeah. मुझे पैंट पहनना नहीं आता था सही से। And yeah, I mean, I've had the good experience of studying from IIT Bombay. So, IIT Bombay. Yeah. So something that you feel ki you didn't get there, but you see that students here are getting. A lot of hands-on experience from day one. So we are front-loading all the important topics of the curriculum. For example, in engineering colleges, the first year is set to explore the different kind of engineering fields that are there. Yeah. You explore electronics, you explore computers, you explore tons of fields. Yeah. So mitochondria is the powers of the cell. Exactly. I mean, you never use that. Yeah. Exactly. That time can be better spent. So yeah, that is something that if I had in my college, that would have significantly changed my career trajectory. Sure. So hopefully, yeah, we'll do that here. I'm going to show you the classroom in a bit. Okay. This is where we also do our mentoring sessions. Let me introduce you to Bhavik and Abhimanyu, who are here. Hi guys. Hello. So that's Abhimanyu, he's the co-founder of Scalar. Hi. Like you Hello. Can see, very hands-on, you're helping us day one. Yeah. That's Bhavik, he's Hello. The president of SST, he leads the entire undergraduate program. And he's the guy who built Uber in India. So, yeah? Wow. Feel really nice to be around these people who are helping us build things from day one. So before we go inside the classroom and I talk to the students, mm-hmm. ki actually main aap jo ye keh rahe ho, क्या चल रहा है अंदर, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज दिस एंटायर थिंग अबाउट, व्हाट यू आर टीचिंग, हाउ यू आर टीचिंग, व्हाट इज दिस कोर्स अबाउट, एवरीथिंग। वी आर रीथिंकिंग इंजीनियरिंग द वे इट शुड बी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि पहले 18 महीने हम बिल्कुल फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, स्टूडेंट विल बिल्ड लाइक ऑनलाइन एक्सेल शीट्स विद 1 मिलियन रोज, वेब सर्वर्स एक्सेट्रा। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं। तो वी हैव लाइक 900 एम्प्लॉयर पार्टनर्स हु आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू करिकुलम एक्सेट्रा, एंड देयर फॉर वहाँ पे कैंपस पे ही वो प्लेसमेंट्स के लिए आएंगे एंड बच्चे विल देन गो फॉर इंटर्नशिप्स ऑल अक्रॉस इंडिया, फ्यू इंटरनेशनल एज वेल। सो 12-month इंटर्नशिप, फाइनली लास्ट 18 महीने आर व्हेन यू रियली गो डीप। सो देर आर 3 स्पेशलाइजेशन दैट वी हैव। वन इज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेयर द गोल इज की बाई द एंड ऑफ 4 ईयर्स द स्टूडेंट शुड बिकम अ SDE2, लाइक द स्किल सेट जो बच्चे 7-7 साल लगाते हैं, ये 4 साल में कैसे SDE2 बन सकते हैं। Second is what everyone talks about these days is AI, right? So we have a specialization in data science and machine learning. A self-driving car ka aap software bana rahe ho. Third is a very new thing called algo trading. Bahut kam colleges mein hota hai, bahut kam employers aate hai. Only select IITs mein hota hai and those are some of the highest paying jobs. Inhone ek bahut hi interesting cheez ki hai. Inka kehna hai ki hame zyada bachcho ko lena hi nahi hai taki hum individual bachcho pe acche se focus kar paye. So out of the thousands of applicants, only 200 bachche inhone select kare ताकि उनको ये अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, विच इज़ लाइक 2-3% बच्चों को ही सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मनमीत,
चले क्लासरूम के अंदर, आइए मैं आपको क्लासरूम में स्टूडेंट से मिलाता हूँ। लेट्स सी, सो एक्साइटेड, मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। हाय गाइस, इतनी कम एनर्जी अलाउड है ना यहाँ पे शोर करना क्लास में? फिर बहुत ऐसे पढ़ाई करो, कोई शोर नहीं करना, ऐसा कुछ है क्या? पहला क्वेश्चन मेरा ऐसा कि कैसा लग रहा है पढ़ के? पढ़ाई तो बोरिंग होती है यार। नहीं, मजा आ रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। क्या प्रैक्टिकल हो रहा है? मेनली जो स्क्रीन पे जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसके अलॉन्ग साइड हमारा वो प्रोग्रामिंग भी हो रहा है साथ साथ, जिसकी वजह से पूरा पूरा क्लियर हो रहा है, वो भी लाइन टू लाइन। तो IIT, NIT, BITS, IIIT, MIT नहीं जाना था किसी को? क्या छोड़ के आयो? कौन है दिखाओ जरा। हाँ, बिट्स छोड़ के आयो। बिट्स छोड़ के आयो? हाँ। क्यों? क्यों बोले तो CS ब्रांच नहीं मिल रहे और इधर तो सब प्रैक्टिकल है और वॉट एवर दे आर टीचिंग इज इंडस्ट्री रिलेवेंट। एंड कल प्रसन्ना सर आया था, ही इज द फाउंडर ऑफ ए $1 billion कंपनी, उसका नेटवर्थ ही $1 billion है। उसके लोगों, यू नो, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद दोस पीपल एंड आंसर देम एंड इट रियली चेंज माई थिंकिंग। एंड या हु आर टीचिंग अस, लाइक टुडे आर टीचर, ही इज अ अमेजॉन एम्प्लॉय, सो जस्ट इमेजिन समवन हु इज कमिंग फ्रॉम अमेजॉन एंड टीचिंग अस टुडे स्क्रिप्टिंग। एंड या मान गए थे क्योंकि प्रूफ है ना यार, स्केलर लाइक 6,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुआ और मेरे फैमिली से भी एक है लाइक स्केलर में पढ़ के, एकेडमी पढ़ के गया, तो अच्छा है यार। मैं भी कॉलेज ही छोड़ के आया। कॉलेज छोड़ गया? कौन सा कॉलेज छोड़ गया? MS रमैया। रमैया कॉलेज छोड़ गया? क्यों? वो क्या कठिन परिस्थितियां रही थी? ये समझ लीजिए कि मैं वहाँ पे अब तक टोटल 10 months से था, अब तक जो यहाँ पे 2 दिन में हुआ ना उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे गेन कर लिया जितना वहाँ मैं 10 महीने पढ़ के गया। क्यों भाई? उधर कुछ पढ़ाई होती नहीं। तो डिसीजन कैसे लिया कि तुमने मुझे वो कॉलेज छोड़ के आना है? दैट्स अ बिग डिसीजन यार। 10 महीने में पता चल गया कॉलेज की रियलिटी क्या होती है। हाँ सर, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, बस समझ लीजिए सीनियर रैगिंग लेंगे, हाँ, आपका प्रोफेसर कोई मतलब नहीं रखेगा, हाँ, कुछ पूछो तो फिर शांति कर दिया जाएगा। और ऊपर से मेरे में क्या है कि समझ लीजिए जितना पढ़ाया गया कंप्यूटर में वो एक दिन में क्या 2 घंटा लगेगा पूरा पढ़ने में, अब तक जितना पढ़ाया उन्होंने। और ऊपर से semester 1 में था वो और semester 2 में कंप्यूटर कोर्स ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल ये सारे हैं कंप्यूटर छोड़ के। तो फिर जिसको मेन पढ़ना है, जो जिस पर तुमको जॉब लगने वाले वही नहीं, कुछ भी जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो सर एक तरीके से खराबी लग रहा है। वालों कैसे कन्विंस कर लिया कि छोड़ के आना है? सर कन्विंस नहीं किया, पापा ने मुझसे पूछा करना है, छोड़ना है तो बताओ। ऐसे पापा भगवान सबको देगा। इस गाइज मैंने मनमीत से पूछा कि बच्चे रहते कहाँ हॉस्टल में, तो ही वाज लाइक कि माइक्रो कैंपस में रहते हैं। ये माइक्रो कैंपस क्या होता है? तो फर्स्टली ये फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इसका मतलब यह कि बच्चे हमारे साथ यहीं पे हॉस्टल में 4 साल के लिए रहेंगे। नाउ इसको हम माइक्रो कैंपस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस जहाँ बच्चे सिर्फ सोने आएंगे, राइट? यहाँ पे हमारे साथ 4 बैच सक्सेस मैनेजर्स रहते हैं, फैकल्टी मेम्बर्स ने भी यहाँ पे रूम लिए हुए हैं। तो होता क्या है कि कोर्स में बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें करनी होती है, उसमें असाइनमेंट्स होते हैं, तो शाम को जब आपके पास डाउट्स हो तो कोई होना चाहिए ना जिसके पास आप जाओ। इसके अलावा काफ़ी सारी सोशल चीज़ें भी यहाँ पे होती है, तो फन थिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा हॉस्टल बाद में, जहाँ पे मूवी स्क्रीनिंग्स हो गई, कोई स्पोर्ट्स हो गए, इंडोर स्पोर्ट्स हो गए एक्सेट्रा, आउटडोर के लिए हम बाद में देखेंगे। बट दैट्स वाई इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस वेर यू स्टे, इट्स ऑल्सो अ प्लेस वेर यू लर्न एज वेल। वी इवन हैव लाइक अ रीडिंग रूम, क्लास रूम इन द सेम फैसिलिटी एज वेल। ओके, सो दिस इज अ टिपिकल डबल शेयरिंग रूम, अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम? या So, okay. Washrooms है, यहाँ पे study table है, every student has their own cupboard, बढ़िया यहाँ पे। So, all the facilities, high speed internet, students need to focus on one thing, laundry वगैरह का भी tension नहीं लेना, they have to focus on their studies. So, let me actually show you the common areas जहाँ students can unwind, I'll also show you the classroom. सो गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द चिल एरियाज, कॉमन एरियाज जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो। मेरे कॉलेज में भी हुआ करता था यार, मुझे बीच बीच में अपने कॉलेज की याद आती रहती है, तो ये मैं लाइन हमेशा बीच बीच में बोल देता हूँ। सो गाइस, हमें अभी फोकस जोन में, मनमीत यहाँ पे क्या होता है?
सो बेसिकली बच्चे जब क्लास खत्म करके आते हैं मेन कैंपस से, सो दे हैव दिस स्पेस कि जो आपने दिन में सीखी है चीज़ें, राइट, उसको आप यहाँ पे बैठ के अकेले चीज़ें कर सकते हो. सेकंड, जब आप कोडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, ACM, ICPC वगैरह, तो दीज आर द स्पेसेस वेर यू कैन जैम अप विद अदर टीम मेट्स टू प्रैक्टिस, है ना. इसके अलावा जैसे बैच सक्सेस मैनेजर्स का हमारा क्या 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 बैच सक्सेस मैनेजर्स, ये क्या होता है? हम ना एक्चुअली मेंटरशिप को काफी सीरियसली लेते हैं. मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ. एम्फीथिएटर में, एम्फीथिएटर यहाँ पे अब क्या होता है? तो अब हम एम्फीथिएटर में हैं. ओके, आप मेंटरिंग का पूछ रहे थे तो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे तीन टाइप से मेंटरिंग होती है. तो फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैच सक्सेस मैनेजर. तो ये लोग कौन होते हैं? यंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं जो पैशनेट होते हैं टीचिंग के बारे में. तो वो बच्चों के साथ एक्चुअली यहाँ पे रहते हैं, तो दे आर रेजिडेंशियल, मतलब वो हॉस्टल में बच्चों के साथ ही रहते हैं. बिल्कुल. तो जैसे अभी आप दिन में पढ़ के आए, राइट, मेन कैंपस में, अब वापस आने के बाद आपको जो भी असाइनमेंट मिले, इफ़ यू हैव डाउट्स तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो, है ना. सो दे आर ऑलवेज देयर. और दूसरी बात ये कि एवरी बैच सक्सेस मैनेजर आर 50 स्टूडेंट्स दैट दे आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सक्सेस, दैट्स फॉर बैच सक्सेस मैनेजर. तो अगर वो क्लास नहीं अटेंड कर रहे, अगर कहीं कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं. दैट इज वन. सेकेंड टाइप ऑफ मेंटरिंग इज, मान लो आप फ्लिपकार्ट जाना चाहते हो, मान लो आप गूगल जाना चाहते हो, तो ऐसे अगर कंपनीज में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, इमेजिन दैट दे मेंटर यू. थर्ड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मेंटर्स. ओके, इमेजिन कीजिए बस यहीं पे कुणाल खड़े हैं, ओके, और बच्चों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, बिकॉज़ कोई अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्ड कर रहा है, वो बच्चों से इंटरैक्ट करेंगे, तो इमेजिन द काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट स्टूडेंट्स विल गेट. एंड हमारे यहाँ पे गोल ये नहीं कि 4 साल के बाद बच्चे बस जॉब्स करे, वो तो होगा ही, बट वी रियली वॉन्ट टू क्रिएट कंपनीज आउट ऑफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. नेट नेट मेंटरिंग हम काफी सीरियसली लेते हैं. तो गाइज, ये था स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. मैंने अपने साइड से इतना कुछ मैं दिखा सकता था, तुमको मैंने दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि तुम लोगों ने पूछा था मेरे से भैया और डिटेल में वीडियो बनाओ, जाके बनाओ, जो कर सकता था मैंने किया. प्लीज़ बताना कि तुमको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए. अगर चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है. नियरेस्ट एडमिशन डेट क्या, ये भी चेक कर लो अगर तुम एडमिशन कराना चाहते हो तो. एंड प्लीज़, कुछ भी करने से पहले और अच्छे से रिसर्च करना, वेबसाइट पे जाना, लोगों से पूछना, सब कुछ करना. क्योंकि भाई, ये जो तुम्हारा डिसीजन है ना कि तुम कौन सा कोर्स लेने वाले हो, कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, ये तुम्हारी जिंदगी डिफाइन करने वाला है. और ये जो मेरी सीरीज है फ्यूचर यू, इसका टारगेट ही यही है कि तुमको मैं ऑल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में बताऊं अपार्ट फ्रॉम IITs एंड NITs, जिससे कि तुम अपने करियर में बहुत आगे जा सको. क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इस बात को नहीं भूलते हैं कि ओनली 15-20 हज़ार बच्चों को ही IIT मिलता है, जबकि बहुत सारे ड्रीमर्स बैठे हैं हमारे देश में जो कि बहुत आगे जाना चाहते हैं, जिनमें पोटेंशियल है, जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं. सो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे ही एपिसोड्स लाने वाला है. तुमको और कौन से डिग्रीज के बारे में जानना है, कौन से कॉलेजेस के बारे में जानना है, कौन से कोर्सेज के बारे में जानना है, AI, ML, AR, VR, जो भी, प्लीज नीचे कॉमेंट करना. मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा इसी सीरीज में. इट्स कॉल्ड फ्यूचर यू. सब्सक्राइब टू द चैनल. तब तक के लिए दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ.